हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु। तो फ्रेंड, नरेशन में आज हम सीखने वाले हैं इंपरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना। तो फ्रेंड, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स, इंपरेटिव सेंटेंस में या तो कोई ऑर्डर होता है, या कमांड, या रिक्वेस्ट, या एडवाइस, तो हम रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस को इनडायरेक्ट में ordered, commanded, requested, advised, asked, told, इस तरह से उसको चेंज कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने लिखा, द फादर सेड टू हिज सन, गो टू स्कूल इन टाइम। तो यहाँ पर ए फादर अपने सन से कहता है, पुत्र से कहता है कि स्कूल समय से जाइए। तो यहाँ पर सेट टू को हम चेंज करेंगे ऑर्डर्ड में। द फादर ऑर्डर्ड हिज सन। यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ है। तो अगर हमारा सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो तो हम इसके पहले कंजंक्शन टू लगाएंगे, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे, उसके बाद में अगर कोई वर्ब है या कोई प्रोनाउन है तो उसमें चेंज करेंगे। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो सेंटेंस को हम एज इट इज उतार देंगे। यहाँ देख रहे हैं कोई वर्ब भी नहीं है और ना तो कोई हमारा प्रोनाउन है, इसलिए सेंटेंस को हम ऐसे ही उतार देंगे। अगर हम इसी सेंटेंस को निगेटिव बनाएं तो हो जाएगा द फादर सेड टू हिज सन, डू नॉट गो टू स्कूल लेट। अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस नेगेटिव है तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो Do not को not to कर दें या set to को forbid में चेंज कर देंगे। तो जब forbid लगाएंगे तो उसके बाद ये not नहीं आएगा, उसके बाद आएगा to। तो ये दोनों तरीके से चेंज करते हैं। तो पहले तरीके में हो जाएगा the father ordered his son, order लिखा है इसलिए करेंगे not to, go to school late। इसको दूसरे तरीके से जब चेंज करेंगे तो हो जाएगा the father forbid his son, अब not to नहीं आएगा, यहाँ आएगा to, go to school late। इसके बाद मैंने सेंटेंस लिखा, मोहन said to me, please give me your pen। तो फ्रेंड्स, ये हमारा सेंटेंस एक रिक्वेस्ट है। तो अगर हमारे सेंटेंस में प्लीज, रिक्वेस्टेड, सर या मैडम इस तरह के वर्ड आए तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर देंगे रिक्वेस्टेड में। तो ये हो जाएगा मोहन रिक्वेस्टेड me। ये प्लीज हमारा हट गया, ये चेंज हो गया रिक्वेस्टेड में, इसलिए यहाँ से ये समाप्त हो गया। अब बची हमारी वर्ब, ये विमन से स्टार्ट है इसलिए इसके पहले हम टू लगा देंगे, इसके बाद हम वर्ब लिख देंगे, उसके बाद हमारा है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन हमारा है फर्स्ट पर्सन का, ये चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट है मोहन, इसके साथ में आएगा हिज। इसके बाद हमारा प्रोनाउन है मी, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट हमारा मोहन है, तो मोहन के साथ आएगा ही, और ही का हमारा ऑब्जेक्टिव के जाएगा हिम। उसके बाद योर, ये हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ये चेंज होगा मी के अकॉर्डिंग। यहाँ पर मी का ऑब्जेक्टिव केस होगा माई
इसके बाद पेन। इसके अलावा कुछ हमारे सेंटेंस एडवाइस वाले भी होते हैं, जैसे मैंने लिखा द टीचर सेड टू हिज स्टूडेंट्स वर्क हार्ड। तो इस सेंटेंस में हमारी एडवाइस है, इसलिए सेड टू को चेंज करेंगे एडवाइस में, तो हो जाएगा द टीचर एडवाइज्ड हिज स्टूडेंट टू वर्क हार्ड। तो फ्रेंड्स इसके अलावा कुछ सेंटेंस लेट से भी स्टार्ट होते हैं, आइए देखते हैं। जैसे लिखा ही सेड लेट अस वर्क हार्ड। तो फ्रेंड्स ऐसे सेंटेंस को जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो लेट हमारा चेंज हो जाता है शुड में, और इस अस को दे या वी में इसको चेंज कर सकते हैं, और सेड हो जाएगा हमारा इस रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग। सजेशन है, कोई प्रपोजल है, तो उसी के अकॉर्डिंग इसको हम चेंज करते हैं। तो आइए इसको चेंज करते हैं, तो हो जाएगा ही सजेस्टेड, इसमें एक सजेशन है दैट, इसके तुरंत बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है अस, तो इसको या तो हम दे में चेंज करें या तो वी में, तो हम लिख देते हैं दे, और लेट हो जाएगा शुड में चेंज वर्क हार्ड। तो फ्रेंड्स इसके अलावा कुछ सेंटेंस हमारे दूसरे स्टार्ट होते हैं जो कि एक स्ट्रेस या एम्फसाइज करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो मैंने सेंटेंस लिखा अनीता सेड टू गीता डू राइट ए लेटर। तो यहाँ पर इस डू का सेंस है जरूर, तो इस पूरे सेंटेंस का अर्थ निकलेगा कि गीता अनीता ने गीता से कहा कि एक लेटर जरूर लिखे। तो जब हम इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हमारा डू हट जाएगा, तो ये बन जाएगा अनीता आस्क्ड गीता टू राइट अ लेटर। अगर यहीं पर इसके आगे हम बढ़ा दें प्लीज, तो आज हमारा चेंज हो जाएगा रिक्वेस्टेड में, बाकी सब सेम रहेगा। तो फ्रेंड्स इसके अलावा एक सेंटेंस मिलता है क्वेश्चन टैग वाला, तो जब हम क्वेश्चन टैग वाले सेंटेंस की इंडेक्स बनाते हैं तो क्वेश्चन टैग वाला वर्ड हट जाता है। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा मोहन जैसे मैंने सेंटेंस लिखा ही सेड टू मी ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर Will you? तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर है वो क्वेश्चन टैग का है। तो जब हम इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इस विल को हटा देंगे, इसकी कोई नीड नहीं है, तो इसको चेंज करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा ही, अब सेट तो हमारा चेंज हो जाएगा इस रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर तो यहाँ हम पाते हैं कि एक ऑर्डर नहीं है, तो इसको जब कोई ऑर्डर ना हो, कोई रिक्वेस्ट ना हो, कोई सजेशन ना हो, तो जनरली उसको हम चेंज कर देते हैं आस्क्ड में। ये वर्क की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ, इसके लिए आएगा टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। तो फ्रेंड्स आइए कुछ और सेंटेंस लेते हैं।
ताकि ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स आइए हम इन दिए गए सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है, द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक मास्टर, एक मालिक अपने सर्वेंट, अपने नौकर को पानी लाने के लिए कह रहा है। तो इस केस में यहाँ पर जो सेट टू चेंज होगा वो होगा ऑर्डर्ड में। तो पहला सेंटेंस हमारा हो जाएगा, द मास्टर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट। इसके बाद में टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। हमारा दूसरा सेंटेंस है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डू नॉट मेक अ नॉइज। तो यहां पर एक टीचर स्टूडेंट से कह रहा है कि शोर ना करे। तो यहां भी सेट टू को चेंज करेंगे ऑर्डर्ड में। तो ये हो जाएगा, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट नॉट टू मेक अ नॉइज। तो फ्रेंड्स हम इस दूसरे सेंटेंस को एक दूसरे तरीके से भी इन दैट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हो जाएगा, द टीचर ऑर्डर की जगह पर हम कर देंगे फॉर बेड, द स्टूडेंट यहां नॉट को लिखा है, अब करेंगे टू। क्यों करेंगे, क्योंकि फॉर बेड का सेंस ही नेगेटिव है, इसलिए हम डबल नेगेटिव का यूज नहीं करेंगे। उसके बाद मेक अ नॉइज। इसके बाद में हमारा तीसरा सेंटेंस है, द ओल्ड मैन सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। तो फ्रेंड्स यहां पर प्लीज वर्ड लगा हुआ है जो कि रिक्वेस्ट को शो करता है, इसलिए हम सेड टू को चेंज कर देंगे रिक्वेस्टेड में। तो ये हो जाएगा, द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड मी। अब प्लीज तो हमारा कन्वर्ट हो गया रिक्वेस्टेड में, तो यहां से हट जाएगा ये। उसके बाद में हमारी वर्ब आएगी हेल्प। इसके बाद हम देख रहे हैं प्रोनाउन लगा हुआ है, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो ये चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये हो जाएगा हिम। हमारा चौथा सेंटेंस है, द डॉक्टर सेड टेक द मेडिसिन रेगुलरली। तो यहां पर एक डॉक्टर पेशेंट को एडवाइस दे रहा है, इसलिए यहां पर सेड को चेंज करेंगे एडवाइज्ड में, द डॉक्टर एडवाइज्ड टू टेक द मेडिसिन रेगुलरली। हमारा पांचवा सेंटेंस है, दे सेड टू पिंटू लेट अस गो होम। तो इस सेंटेंस में एक सजेशन है, तो सेड टू को हम चेंज करेंगे सजेस्टेड में, और इस लेट को हम चेंज कर देंगे शुड में। आइए चेंज करते हैं, तो पांचवा हमारा हो जाएगा, दे सजेस्टेड पिंटू दैट। अब यहां पर अस लगा हुआ है, तो इसको हम या तो दे में चेंज करें या तो वी में। तो हो जाएगा दे, इसके बाद लेट चेंज हो जाएगा शुड में, गो होम। तो हमारा छठा सेंटेंस है, ही सेड टू द टीचर लेट मी हैव ए पेन सर। तो यहां पर सर लिखा हुआ है, तो इस सर को हम चेंज करेंगे रिक्वेस्टेड में। तो छठा हो जाएगा, ही
requested the teacher. उसके बाद में that, इसके बाद आएगा हमारा subject. तो यहाँ पर subject हमारा me लिखा हुआ है जो कि first person का pronoun है और first person का pronoun change होता है subject के according. तो subject यहाँ पर ही है जो कि third person का pronoun है, इसमें कोई change नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा he. उसके बाद let को change करेंगे should में, have a pen. तो फ्रेंड्स आइए इन सेंटेंसेस को भी देख लेते हैं. हमारा पहला सेंटेंस है सी सेट टू में स्विच ऑफ द फायर विल यू. तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे हैं ये सेंटेंस हमारा एक क्वेश्चन टैग है. तो फ्रेंड्स जब हम इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो इस क्वेश्चन टैग का कोई रोल नहीं रहता है, मीन्स ये हट जाता है. तो आइए इसको चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में. इस सेंटेंस में एक ऑर्डर है तो सेट टू चेंज होगा ऑर्डर में, तो ये हो जाएगा सी ordered me to switch off the fan. दूसरा sentence, he said to me, do have a cup of coffee please. यहाँ पर do word जो है एक emphasize है, एक stress दिया जा रहा है. जैसे मैं लिखूँ come तो इसका मीन्स हुआ आइए या आना, अगर लिखो डू कम तो इसका मीन्स हुआ जरूर आना या जरूर आइए. तो यहाँ भी डू है ए कप ऑफ कॉफी प्लीज, तो रिक्वेस्ट कर रहा प्लीज कॉफी को जरूर पीजिए. तो जब हम इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो इस डू का कोई रोल नहीं होता है. अब देखते हैं इसके बाद यहाँ प्लीज लगा हुआ है तो सेट टू चेंज होगा रिक्वेस्टेड में, तो ये हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड मी टू हैव कप ऑफ कॉफी. इसके बाद में हमारा तीसरा सेंटेंस है द जज सेड लेट द क्रिमिनल बी हैंग्ड. तो यहां पर एक जज ऑर्डर दे रहा है इसलिए यहां पर हो जाएगा द जज ordered that, इसके बाद में सब्जेक्ट हमारा द क्रिमिनल ऑलरेडी चेंज हो जाएगा शुड में बी हैंड. हमारा चौथा सेंटेंस है द टीचर सेड टू मी नेवर टेल ए लाई. तो सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो इस सेंटेंस को हम या तो फॉर्मेट से इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं या एडवाइज से भी इसको हम चेंज कर सकते हैं. हमारा चौथा सेंटेंस हो जाएगा द टीचर एडवाइज्ड मी नेवर टेल अ लाई. इसका दूसरा तरीका भी है द टीचर फॉरबेड मी टू टेल अ लाई. तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का सेशन. आज का सेशन आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में भी जरूर शेयर करें ताकि दूसरों को भी इससे बेनिफिट हो सके.